हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टिमुलस एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं कि नीट 2022 के काउंसलिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने को चाहिए होंगे। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले नीट 2022 का एडमिट कार्ड, ये आपके पास एग्जाम देने के बाद आपने रख रखा होगा या उसकी और भी कॉपीज आपके पास होगी तो ये चाहिए होगा। उसके बाद नीट 2022 का स्कोर कार्ड, ये भी आपके पास निकलवा लिया होगा या फिर अभी आप इसको भी निकलवा के रख लेना। तीसरा है क्लास 10th की मार्कशीट, आप जिस भी बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड से या स्टेट बोर्ड से 10th की होगी उसकी मार्कशीट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद 11th क्लास की मार्कशीट, फिर क्लास 12th की मार्कशीट आपके साथ होना जरूरी है। और उसके बाद NTA ने अपनी साइट पे स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा था कि 8 पासपोर्ट साइज चाहिए होंगी, तो आपके पास पासपोर्ट साइज की 8 फोटो भी होना जरूरी है। और उसी के बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ये होना मस्ट है। और मैं बता देता हूँ कि OBC कैटेगरी के लिए जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये लास्ट 6 मंथ का चाहिए होता है, तो ये भी आप अगर नहीं हो किसी स्टूडेंट के पास तो बना के रख लेना। और जिस स्टूडेंट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए होगा उनके लिए वो भी होना जरूरी है। अगर अपना बात करें वो स्टूडेंट्स जो NRI कोटे से नीट UG की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए इनके अलावा और भी कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, तो उसमें अपन बात करें तो पासपोर्ट और एम्बेसी सर्टिफिकेट की कॉपी उनके पास रहनी जरूरी है, और एफिडेविट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कैंडिडेट एंड स्पॉन्सर, जो NRI कैंडिडेट होंगे और उनके जो स्पॉन्सर होंगे अपने इंडिया में उनके बीच का रिलेशनशिप है उसका एफिडेविट होना जरूरी है। और तीसरा है स्पॉन्सरशिप एफिडेविट सर्टिफिकेट, ये 3 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो NRI कोटा के स्टूडेंट्स को रखने होंगे। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए बने रहिए हमारे साथ।